लास्ट क्लास में हमने क्या करा था, लास्ट क्लास में हमने करा था डिटरमिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट. तो एक्सचेंज रेट वाज डिटरमाइंड थ्रू द फोर्सेस ऑफ मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई. जहां पे मार्केट डिमांड मार्केट सप्लाई इक्वल हो वो इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट होता था. फिर हमने सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड एक्सेस सप्लाई अंडरस्टैंड करी थी. अब ध्यान से देखना, हम करेंगे शिफ्ट्स इन द कर्व्स, तो चेंजेस इन द एक्सचेंज रेट. ध्यान से देखना, हाउ डू चेंजेस टेक प्लेस, क्या स्टडी कर रहे हैं हम, चेंजेस इन द एक्सचेंज रेट, इस चैप्टर का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट. तो ध्यान से देखना, पहले हम पढ़ेंगे इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड. इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड. ध्यान से देखना, पहले आपको एक केस समझाता हूं, इंक्रीज. सहीश साथ साथ समझाएगा हमें. ओके सहीश. ओके सर. ठीक है, एक्स एक्सिस पे हम क्या शो करते हैं सर, डिमांड एंड सप्लाई. डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी एक्सचेंज इन मिलियन यूएस डॉलर्स. ठीक है ना, इन मिलियंस. वाई एक्सिस पे क्या शो कर रहे हैं, एक्सचेंज रेट. एक्सचेंज रेट के ब्रैकेट्स में क्या लिखेंगे सर, इन रुपीज पर डॉलर. इन रुपीज पर डॉलर, प्लीज प्लॉटिंग का खास ध्यान रखेंगे. ओके चलो, डिमांड एंड सप्लाई. तो लेट अस अज्यूम हम इक्विलिब्रियम पे ऑपरेट कर रहे थे. तो ये था पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, डिमांड एंड सप्लाई. ओके, ये इक्विलिब्रियम था. अब व्हाट विल हैपन, ध्यान से सुनना, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है. मेक इन इंडिया लॉन्च करा मोदी जी ने, मेक इन इंडिया. तो क्या होगा उसका कॉन्सिक्वेंस सहीश? सर, सप्लाई बढ़ेगी और डिमांड भी बढ़ेगी. हौले हौले यार, तू तो बिल्कुल ही. मेक इन इंडिया मतलब वी आर प्रमोटिंग प्रोडक्शन इन इंडिया, मैन्युफैक्चरिंग प्रमोट कर रहे हैं इंडिया में. यस सर. इंडस्ट्री सेटअप होंगे इंडिया में. यस सर. तो फॉरेन इन्वेस्टर्स हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करना चाहेंगे कि नहीं करना चाहेंगे? करना चाहेंगे सर. ठीक है, उससे सप्लाई अफेक्ट होगी या डिमांड अफेक्ट होगी? सर डिमांड. अच्छा सर, सर सप्लाई आएंगे फॉरेन. अब ध्यान से देखना, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, इज इट अ फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड या फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई? सर फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई. तो ये बात ध्यान से समझनी थी. तो उससे डिमांड का कोई लेना देना नहीं है, वो सप्लाई अफेक्ट करेगी, तो उसमें मैं बात पे आऊंगा. अब मैं डिमांड का कोई फैक्टर यूज करता हूँ. हमें मजेदार क्या यार, एकदम रॉकेट. हमें चाहिए वैक्सीन, यस और नो? यस सर. हमें बहुत जरूरत है वैक्सीन की. अभी वैक्सीन इंपोर्ट हो रही है. यस सर. तो अब डॉलर की डिमांड, चाहे सेम रेट पे समान हो, डॉलर की डिमांड बढ़ रही है या कम हो रही है? सर बढ़ रही है. सेम रेट पे प्रोडक्ट के प्राइसेस तो चेंज नहीं हो रहे, बट डॉलर की डिमांड बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है. क्यों सर? क्योंकि हमें वैक्सीन चाहिए जो अमेरिका में बनते हैं. बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन इम्पोर्ट्स. तो इट विल लीड टू अ राइटवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व. यस सर. तो इंक्रीज इन डिमांड का मतलब समझ आया कि आपके डॉलर की डिमांड बढ़ रही है. ठीक है, अब अगर इंक्रीज होगी तो पहले इक्विलिब्रियम यहां था, अब डॉलर की डिमांड बढ़ गई. अगर डॉलर की डिमांड बढ़ गई तो जो एक एक्सचेंज रेट चल रहा था, ध्यान से देखना इंटरेस्टिंग पॉइंट, जो एक्सचेंज रेट चल रहा था, पहले एक्सचेंज रेट क्या चल रहा था ध्यान से देखना, ये चल रहा था एक्सचेंज रेट. यस सर. अब
डिमांड बढ़ गई, सेम रेट पे डिमांड अगर बढ़ गई, डिमांड तो बढ़ गई एकदम से, अब क्या होगा? डिमांड बढ़ने की वजह से क्या होगा, डॉलर की शॉर्टेज होगी कि नहीं होगी? होगी सर। इट विल क्रिएट अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड, यस और नो? यस सर। व्हाट हैपेंस व्हेन देयर इज एक्सेस डिमांड इन द मार्केट? एक्सेस डिमांड होगी तो क्या होगा, एक्सचेंज रेट बढ़ना शुरू हो जाएगा या कम होना शुरू हो जाएगा? सर बढ़ना। तो एक्सचेंज रेट जब बढ़ना शुरू हो जाएगा तो डिमांड बढ़ेगी या गिरेगी? सर गिरेगी। तो इस पॉइंट से अपवर्ड मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी? यस सर। और एक्सचेंज रेट बढ़ने की मतलब कि शॉर्टेज हो गई थी तो रेट बढ़ना शुरू हो गया, एक्सचेंज रेट बढ़ने की वजह से सप्लाई बढ़ेगी या कम होगी? सर बढ़ेगी। सप्लाई बढ़ेगी, तो जो नया इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट है इस पॉइंट पे आ जाएगा, यस और नो? यस सर। तो नया एक्सचेंज रेट, ध्यान से देखना, एक्सचेंज रेट बढ़ गया, ये पहले अगर पॉइंट ई था तो ये ई वन हो गया, तो ये क्या हुआ था आपके मार्केट में, एक्सेस डिमांड हो गई थी डॉलर्स की, तो उस शॉर्टेज की वजह से नया इक्विलिब्रियम कैसे रिस्टोर हुआ, ये बात समझ आई? यस सर। सबको समझ आई? यस। एक और बार समझा दो। हाँ, पढ़ क्या रहे हैं, इंपैक्ट ऑफ इंक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, अगर फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड इंक्रीज होती है तो उसका इंपैक्ट क्या होता है फॉरेन एक्सचेंज रेट पे, तो अभी हम इंक्रीज स्टडी कर रहे हैं, डिक्रीज में आपको सेपरेट ग्राफ में एक्सप्लेन कर दूंगा। एक्सचेंज रेट चल रहा था पहले, जो ग्रीन कर्व्स हैं डिमांड और सप्लाई, इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट आर वन था, रुशील क्लियर? यस सर। आर वन रेट चल रहा था, अब एकदम से हमें वैक्सीन की शॉर्टेज हो गई तो वैक्सीन की डिमांड एकदम से बढ़ गई, तो एकदम से बढ़ गई, इम्पोर्ट्स की हैवी डिमांड हुई, तो इम्पोर्ट्स बढ़ने की वजह से डिमांड फॉर डॉलर, रुशील, विल इंक्रीज और डिक्रीज? सर इंक्रीज। तो इंक्रीज इन डिमांड, राइट वर्ड शिफ्ट, इसको डी वन बोलेंगे, राइट वर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व, तो डिमांड कर्व राइट वर्ड शिफ्ट हो गया, जिसकी वजह से सेम रेट पे डॉलर की डिमांड बढ़ गई, सप्लाई तो चेंज नहीं हुई थी, आपको अगर वैक्सीन चाहिए तो उससे सप्लाई का कोई लेना देना, वो फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड है या फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई है? सर क्या, इंक्रीज इन डिमांड फॉर वैक्सीन्स लेड टू इंक्रीज इन डिमांड फॉर डॉलर्स, तो जो इंक्रीज इन डिमांड फॉर वैक्सीन था वो फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड था या फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज? फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड। तो डिमांड इंक्रीज हुई सेम रेट पे, सप्लाई पे तो कोई चेंज नहीं आया, बट जब डिमांड इंक्रीज हुई तो उसकी वजह से शॉर्टेज होगी डॉलर्स की हमारी कंट्री में? यस सर। तो शॉर्टेज की वजह से क्या होगा, इट इज अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड। फिर लास्ट क्लास में मैंने आपको डिटेल में समझाया था व्हाट हैपेंस व्हेन देयर इज एक्सेस डिमांड इन द मार्केट, द एक्सचेंज रेट स्टार्ट्स राइजिंग, किसी भी चीज की शॉर्टेज होती है तो उसके प्राइसेस बढ़ने शुरू हो जाते हैं, तो जब प्राइसेस बढ़ने शुरू हो जाएंगे तो डिमांड आपकी गिरनी शुरू हो जाएगी और सप्लाई बढ़नी शुरू हो जाएगी, ये प्रोसेस तब तक होगा जब तक इक्विलिब्रियम रिस्टोर ना हो जाए। तो अगर मैं आपको समराइज करना चाहूं तो इंपैक्ट ऑफ इंक्रीज, इसका इंपैक्ट क्या होगा फॉरेन एक्सचेंज रेट पे, एक्सचेंज रेट क्या बोल रहे हो? कुछ नहीं सर। नहीं, एक्सचेंज रेट क्या बोल रहे थे, इंक्रीज डिक्रीज? सर इंक्रीज बोला था। बोलो ना बेटा फिर, एक्सचेंज रेट राइजेस, तो क्वांटिटी डिमांडेड और सप्लाइड भी, इक्विपमेंट क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी, तो एक्सचेंज रेट पे क्या इंपैक्ट आएगा, एक्सचेंज रेट बढ़ जाएगा, तो क्या हुआ, डेप्रिसिएशन ऑफ होम करेंसी हुई? यस सर। यस और नो? तो डेप्रिसिएशन का अगर ग्राफ बना के दिखाना होगा ना, तो ये डेप्रिसिएशन का ग्राफ है, कैसे एक्सप्लेन करा, इंक्रीज इन डिमांड से, ये इंक्रीज था तो एक्सचेंज रेट राइजेस, इसको मैं बोल सकता हूं डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, यस और नो? यस सर। तो इंक्रीज इन डिमांड लीड्स टू डेप्रिसिएशन ऑफ होम करेंसी।
करेंसी। अब यही ध्यान से देखना, हो गया 100% पॉपुलेशन वैक्सीनेट हो चुकी है, अब क्या एक्सप्लेन करेंगे हम, डिक्रीज इन डिमांड। ध्यान से देखना, x-axis पे हम क्या शो कर रहे हैं, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, y-axis पे क्या शो कर रहे हैं हम, एक्सचेंज रेट इन रुपीस पर डॉलर। तो ध्यान से देखना बेटा, एक एग्जिस्टिंग सिचुएशन थी, इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट ये था, फिर क्या हुआ, चलो पहले इसको क्लोज करते हैं। ओके, अब क्या हुआ, डिमांड बढ़ गई या कम हो गई, क्या स्टडी कर रहे हैं हम, डिक्रीज इन डिमांड। यस सर। तो डिक्रीज हुई डिमांड, तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। यस यस सर, डिक्रीज इन डिमांड, लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। तो D1 अगर उसको D1 लिया था तो इसको D2 ले लेंगे। अब सेम रेट पे अगर डिमांड गिर गई, एक्सेस सप्लाई, डिमांड गिर गई, सप्लाई उतनी की उतनी है अगर, तो इट विल क्रिएट अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस सप्लाई, यस और नो। यस सर। व्हाट हैपेंस व्हेन देयर इज एक्सेस सप्लाई इन द मार्केट, रमा? सर डिमांड विल prices will fall, prices will fall, ये chain effects बताने हैं ना, तो excess supply की वजह से क्या होगा, the prices will start falling. What happens when the prices start falling? Demand will increase. Demand starts rising. Increase word गलत होगा, demand starts rising. Movement along the curve है या shift है? Movement along the curve. So better word would be it rises. Demand rises and supply falls. Yes or no? Yes sir. This process will continue till the time equilibrium is restored. So, new equilibrium यहाँ पे आ जाएगा. कोई doubt? No sir. Graph समझ आया? Yes sir. अब ध्यान से देखना इसको highlight कैसे करेंगे. Okay. R1 to R2, Q1 to Q2, ये क्या है, इट इज अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस सप्लाई, तो डिक्रीज इन डिमांड, इसका इंपैक्ट क्या होगा रमा, एक्सचेंज रेट will be decreased, false, exchange rate falls, so is it depreciation or appreciation Rama? Sir, appreciation, it is appreciation of domestic currency. Koi bhi doubt? No, sir. चलो अब सप्लाई का भी कराई देता हूँ साथ साथ, ध्यान से देखना।